एवेल्युएटिंग टेक्स्ट इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा, क्या हम टेक्स्ट को एवेल्युएट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका तजिया कर सकते हैं विजुअल डाटा के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू भी हम डाटा की असेसमेंट कर सकते हैं। वी विल फर्स्ट डील विद द इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा एंड सेकंड ऑटोमेटिक कम्पेयर। वी विल शो यू सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर प्राइमरी विजुअल्स। अमंग दीज मीन्स आर ग्राफिक्स, के लिए भी हम ग्राफिक्स भी यूज करते हैं विजुअल में, चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स एंड मैप्स, और टेक्स्ट बुक्स में भी ये मैप्स और जो टेबल्स हैं ये भी आपके डेटा की एवेल्युएशन करते हैं। जिस तरह ये एक चार्ट बना हुआ है तो उसमें इसने एवेल्युएशन की है, मतलब रिव्यू किया है, 10 है, 15 है, परसेंटेज मेजरमेंट की है कि इस परसेंटेज में क्या चीज़ है, इस परसेंटेज में क्या चीज़ है। टेबल्स भी इसी काम के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह ये टेबल्स बनाते हैं एमएस एक्सेल में, ये ट्रू है, फॉल्स है। ग्राफ्स भी इसी काम के लिए, ये ग्राफ भी सेम कंडीशन है इसकी, सेम वर्किंग के लिए होते हैं। और इस तरह ये मैप्स हैं, मैप भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं कि जिस तरह ये मैप है तो इसमें कंट्रीज की स्पेसिफिकेशन है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, और मैप के हिसाब से ये जगह कहाँ पे आती है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग चार्ट, चार्ट हम एमएस वर्ड में भी डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं। उसके बाद मेकिंग कंपैरिजन, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन मतलब क्विकली है, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, मतलब कंपैरिजन के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट है बहुत ज़्यादा, हम उनके ना कंपैरिजन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, 3 डिग्रीज हैं। ये सारे मतलब इसी मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं अपने चार्ट्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, और डिफरेंट वे के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा का।